हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में मिल रहा है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी वैकेंसी आई है और लॉकडाउन 2 में सबसे बड़ी वैकेंसी है कोविड 19 को लेकर सबसे बड़ी वैकेंसी जारी हो गई है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज की बात करें तो 4000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगी। यदि आप 10वीं और 12वीं पास हैं फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म यहां आपको मिलेगा वार्ड बॉय, यानी कि वार्ड बॉय की बंपर वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की बड़ी वैकेंसी आपको यहां मिल रही है और घर बैठे आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। हम आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको ईमेल द्वारा सबमिट कर देना है, ईमेल आईडी भी हम आपको बताएंगे। सिलेक्शन बिना एग्जाम आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, बिना एग्जाम इसमें सिलेक्शन, ईमेल से फॉर्म भर पाएंगे। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 4000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको मिल रही है। सैलरी की बात करें 20,000 रुपए प्रति माह आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। लॉकडाउन 2 की वैकेंसी है, कोविड 19 को लेकर एक बड़ी वैकेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल दी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको टोटल वैकेंसीज कितनी बताई गई है, 4,808 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में बताई गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 4,808 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। प्रथम बात करेंगे वार्ड बॉय की पोस्ट के लिए, तो वार्ड बॉय की पोस्ट के लिए 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। यदि हम बात करें 10th पास की यहाँ इसमें वैकेंसीज की, तो 650 वैकेंसी आपको वार्ड बॉय की मिल रही है। यदि वेतनमान की बात करें तो 12,000 रुपए प्रतिमाह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ डेली वेजेस भी आपको यहां रखा गया है इस पोस्ट के लिए। यदि हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी डीईओ की, तो डीईओ में आपको टाइपिंग बताई है, एंड ग्रेजुएट डिग्री बताई गई है, बट बीकॉम में विल बी प्रिपेयर्ड इंग्लिश, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ ग्रेजुएशन होना है, ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और इसके साथ साथ आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी से यहाँ से आपको मिल रही है स्टोर ऑफिसर की, और यहाँ स्टोर ऑफिसर में आपको 106 वैकेंसीज मिल रही है। फार्मेस्ट्री की आपको 152 वैकेंसी मिल रही है, और इसके साथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज आपको मिल रही है 141। यहाँ काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 नंबर पॉइंट पे देख सकते हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी जीएनएम बीएससी नर्सिंग या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। 2,405 वैकेंसी आपको यहाँ जीएनएम की मिल रही है, और इसके साथ साथ बड़ी वैकेंसीज आप देख सकते हो। अलग अलग वैकेंसी आपको बताई गई, आपको वेतन कितना मिल रहा है वो डिटेल्स आपको बताई गई है। तो ये कोविड 19 को लेकर बड़ी वैकेंसीज है गवर्नमेंट के द्वारा निकाल दी गई है, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि कोविड 19 की रोकथाम के लिए जो अभी हॉस्पिटल्स जो बनाए जा रहे हैं कोविड 19 को लेकर, उनमें ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। क्योंकि अभी जो WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 के जो वायरस की उम्र है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसको देखते हुए ये कोविड 19 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। और इसका फॉर्म कैसे बनना है, मैं आपको सीधा इसकी मेल आईडी दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से फॉर्म भर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देख लेनी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल देनी है। इसके बाद ईमेल आईडी है आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यह है इसकी ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे आपको जो है फॉर्म भेजना है। हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं कौन सा भेजना है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म देख सकते हो, यहाँ इसमें ये बताया गया है कोविड 19 रिक्रूटमेंट टेम्परेरी बेस, यानी कि आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, सुविधा पे रखा जाएगा। अप्लीकेशन फॉर द अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट नेम, जिस जिले से आप अप्लाई कर रहे हो जिले का नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे नर्सिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, फार्मेस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या जो वार्ड बॉय के लिए। तो ये तो निम्न प्रकार की इसमें आपको यहाँ डिटेल्स दे देनी है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आपको बताया गया है नेम, फादर्स नेम, जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, आपकी वैवाहिक स्थिति, इसके साथ साथ आपने जो जीएनएम एनएम का काम कर रखा है उसकी जो एम्प्लॉई है या नहीं, इसके साथ साथ ओरिजिनल का जो कैटेगरीज है आपकी कौन कौन सी, इसके साथ आपको ये जो फॉर्म भर के भेज देना है। इसके साथ ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने हैं मेल आईडी से ही। मेल आईडी पे आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं। इसके साथ यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स, HTTP स्लैश
arogya.maharashtra.government.in। तो महाराष्ट्र में अभी आपको पता होना चाहिए कि COVID-19 सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो COVID-19 को लेकर वहां बड़ी वैकेंसीज निकाल दी गई है। ये वैकेंसी सभी की सभी आपको COVID-19 के अंतर्गत मिल रही है और इसके यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, यानी कि आपको संविदा पे रखा जाएगा। ये इसकी ईमेल आईडी है, इस मेल आईडी पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं।